आज अपना पाते, लेकिन धन्य ऐसी माताएं भी जो अपनी कोख से ऐसे बालकों को जन्म देती हैं जो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, फौजी बनते हैं। धन्य ऐसी पत्नियों को जो ऐसे पतियों का चुनाव करती हैं जो फौजी बनते हैं। हम तो यहाँ आनंद के साथ बैठे रहते हैं, कथा भागवत सुन रहे होते, सत्संग पूजा पाठ, अपने बालकों के उन आनंदों में मस्त होते हैं, लेकिन वो अपने घर से अपने बेटे को, अपने पति को वहाँ भेजती हैं जिससे हम लोग सुख और चैन से सो सकें। मैं ये इसलिए कह बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे कई लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि उनको तो अच्छा वो बोनस मिलता है, उनको तो उन अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन सुख से ज़्यादा व्यक्ति की प्राणों की कीमत होती है ना। कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाए वो सुख सुख नहीं होता। सुख वो है कि भले उसे छोटा और थोड़ा मिले, लेकिन परिवार के बीच में वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, उन सब के बीच में अपने बच्चों को खिला सके। लेकिन आप बताइए, उन्हें पूरा पूरा साल, चार चार साल हो जाती हैं, एक एक साल हो जाती हैं, कभी कभी त्योहारों पे भी नहीं आ पाते, प्रेम भी नहीं कर पाते, और ऐसा जीवन निकल जाता है उनका। हमें गर्व करना चाहिए उन पर, उनके परिवारों को सम्मान करना चाहिए कि इतना बड़ा त्याग किया। बेचारों को तो पता भी नहीं, ये उम्मीद भी होती है कि हे भगवान, हमारा बेटे को कुशल हो, कुशल हो। कई कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ फोन सिस्टम नहीं होते, कॉल नहीं लग पाती घर वालों को, बड़ी पाबंदियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी जगह होती हैं, और आर्मी की तो रूल रेगुलेशन ही बहुत होते हैं कि यहाँ नहीं जाना, ऐसे लोगों से, अपरिचित लोगों से नहीं मिलना, यहाँ एसटीडी कॉल नहीं कर सकते तुम, कहीं हमारी कोई बात तो नहीं। तो उन पर बड़ी विशेष नज़र रखी जाती है, जिन जो ज़्यादा ऐसी जगह पर कार्य कर रहे होते हैं या तैनात होते हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा वो था कि एक आर्मी वाला, एक फौजी भाई प्रतिदिन बैंक के एटीएम में जाता था और 100 रुपए निकालता था प्रतिदिन और चला जाता था। प्रतिदिन का काम था 100 रुपए डालना और 100 रुपए निकालना। एक दिन निकालता था 100 रुपए और दूसरे दिन उसी 100 रुपए को डाल देता था। एक दिन निकालता था 100 रुपए और उसी 100 रुपए को दूसरे दिन डाल देना, ये उसका डेली का कार्य था। जो एटीएम का गार्ड था वो भी देख के परेशान, ये क्या करता है, 100 रुपए निकालता है, अगले दिन 100 रुपए डाल देता है। आसपास के लोग भी ये देखते थे कि भैया हर दिन आता है, 100 रुपए निकालता है और अगले दिन 100 रुपए डाल देता है। एक दिन वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई एक बात बताएं, एक ही साथ पैसे निकाल लो ना, क्या प्रतिदिन आना और क्या प्रतिदिन डालना, ये हमें समझ नहीं आया। प्रतिदिन 100 रुपए निकालते हो और प्रतिदिन 100 रुपए डालते हो, ये क्या मतलब है, या तो निकालो ही मत, और निकाल रहे हो तो पूरा निकाल लो कि डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो रो पड़ा, उसने कहा कि यहाँ से मैं, मेरी पत्नी को मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे घर वालों को बता नहीं सकता, लेकिन जो बैंक का अकाउंट है ना वो मेरी पत्नी के उससे जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ से निकालता हूँ तो उसके पास मैसेज जाता है, मैं यहाँ डाल देता हूँ तो उसके पास मैसेज जाता है, उससे उन्हें फिक्र ख़त्म हो जाती है कि मैं जीवित हूँ। उन भावनाओं को देखें जिनको ये तक पता नहीं होता कि हमारा बालक ठीक है कि नहीं है। हम उनके भीतर के उस सुख को नहीं, उस दुख को नहीं पहचानते, हमें बस उनका जो बाहर की थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं उनको मिल रही होती हैं उन पर बड़ा, कई लोग ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं कि आप आर्मी वालों को इतना वो करते हैं। अरे गर्व करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, हमें तो फक्र और उनके परिवार पर होना चाहिए, लेकिन कई बार लोगों को मैंने सुना ऐसा बोलते हुए कि क्या हुआ, अरे उनको इतनी फैसिलिटीज़, क्या आपको दे दी जाए और आपको तैनात कर दिया जाए, जाओ वहाँ, तो एक अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, कौन किसी अपने बालक को अपने से अलग करना चाहता है। सुख तो वाकई अपने परिवार के साथ रहने में, लेकिन उनके त्याग को बारंबार प्रणाम। इस व्यासपीठ से भी मेरा उनको हृदय से प्रणाम,
और मेरा तो प्रभु से ये प्रार्थना है कि हमारे देश के सेना पर एक भी फौजी भाई पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। हरि आप ही उनकी रक्षा सुरक्षा उनके परिवार की और उनकी करिएगा, क्योंकि वो रात दिन, हम तो यहाँ आराम से सो रहे होते हैं, वो बर्फ़ में भी 2400 घंटे खड़े होकर के, जहाँ अब बद्रीनाथ से आगे 25 किलोमीटर भी, जहाँ चीन और तिब्बत का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है, और ऐसे टेम्परेचर में भी 2400 घंटे ऐसे तापमान में खड़े रहना जहाँ आपकी उंगलियां तक गल जाएंगी, वहां अपने आप को तैनात रखना, और पूरा बद्रीनाथ दिवाली पर बर्फ में दब जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे, जोशीमठ पर आ जाएंगे 50 किलोमीटर नीचे, लेकिन वो आर्मी के सारे लोग वहां पूरे 2400 घंटे ऐसी बर्फ में जहां कोई नहीं जाता वो पड़े रहते हैं, वो उनका त्याग ही तो है। इसलिए हमें उन ऐसे परिवारों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, जिसके परिवार में देश की रक्षा के लिए कोई बालक गया है तो आपको गर्व करना चाहिए, बल्कि उन्हें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उनका सहयोग भी करना चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी इसका, आप सभी तो लाभ ले रहे हैं ना, अब आज आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कारण है, तो हम सबको उन पर सम्मान ही नहीं, कभी आवश्यकता पड़े तो उनका सहयोग भी करना चाहिए।